पहले एक दुखद खबर दे देता हूँ भाई, मोटो व्लॉग नहीं आने वाले हैं अभी 2 से 3 दिन तक, क्योंकि भाई मेरा जो गोप्रो वाला माइक है वो खराब हो चुका है। आज है अपने दादाजी की पुण्यतिथि, तो आज हम सुबह सुबह गए थे वृद्धाश्रम गए थे। लो गाइस, एक कांड हो गया है, मेरे ओरिजिनल गाड़ी के पेपर भाई देख लो इनका हल क्या हो गया, चीथड़े उड़ गए इनके भाई। चेक कर रहे हो, ये मेरा एरिया है और भाई इधर बाढ़ के हालात हो रखे हैं भाई साहब। तो ये सीन चेक कर रहे हो भाई, कितना पानी आ गया यार। और इस वाली गली में रहता था भाई इसमें पहले, ओ भाई पानी देख रहे हो कितना भयंकर। कर दे भाई कर दे। कैसी आवाज है? अल्टीमेट आवाज है ना भाई। यहाँ मैं फिसल गया गया। पहले हम ना मैगी बनाने वाले थे, बट एक गड़बड़ हो गई है भाई, पानी की बोतल लाना हम भूल गए। तो अभी फिर हम सोच रहे कि जो झरने का पानी है ना वो यूज में ले लेते हैं। गाइस ये दोनों चढ़ रहे हैं हेलमेट पहन के, और इस पहाड़ के डिजाइन देख रहे हो, और बाकी तुम्हारा भाई तो अभी चढ़ रहा है धीरे धीरे, ये सेफ्टी के लिए लगा के। गाइस पता है चढ़ना ईजी होता है, बट उतरना उससे भी ज्यादा कठिन होता है भयंकर। और बिल्कुल फ्रेश पानी है, ये लोग सिनेमेटिक सक्सेसफुली हमने आग तो लगा ली भाई। गाइस मैगी बिल्कुल प्रॉपर है। ओए अपनी अब कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ मंदी मंदी आज में चलने दो। तेरी आंखों का काजल ना फैले अब कभी। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो चुका है भाई अपने YouTube चैनल पे। और फिलहाल गाइस आज का ब्लॉग का सीन कुछ ऐसा होने वाला है भाई, आज मैं प्लान कर रहा हूँ भाई पुष्कर जाने का। और पहले एक दुखद खबर दे देता हूँ भाई, मोटो व्लॉग नहीं आने वाले हैं अभी 2 से 3 दिन तक, क्योंकि भाई मेरा जो गोप्रो वाला माइक है वो खराब हो चुका है। तो मैंने एक माइक लेकर भी आया था, बट वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अभी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा है भाई सोनी का माइक, एक दो जनों से पूछ पाछ के, तो वो ऑर्डर कर दिया। अभी भाई वेडनेसडे तक आ जाएगा वो, तो अभी 4-5 दिन तक तो भाई मोटो व्लॉग आने वाले है नहीं। तो फिलहाल गाइस अभी आज का सीन दिखा देता हूँ आपको क्या होने वाला है। बाकी पहले भाई अभी मौसम चेक करो भाई, मौसम देख रहे हो पूरा बादल ही बादल, बादल ही बादल हो रखे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भाई बारिश भी आई थी, ये देख रहे हो अभी पानी भरा हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो भाई मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि आप पुष्कर चलते हैं अपन और फ्रेंड्स वगैरह। अभी कितने जने चल रहे हैं भाई? एक ही अपना भाई साथ में ही रहता है अपने हमेशा। कितने जने चल रहे अपन? क्यों और महबूब और अपन? तो गाइज यार अभी हम 3 जने जा रहे हैं, एक फ्रेंड की तबीयत खराब हो चुकी है। तो गाइज अभी हम कुछ फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं अपने पुष्कर, और वहाँ पे भाई वाटरफॉल वगैरह चलता है, मैंने देखा नहीं कभी कहाँ चलता है कहाँ नहीं चलता। तो आज वहाँ पहले तो वाली जगह चेक करेंगे कि भाई कहाँ पे वाटरफॉल होता है, फिर उसके बाद में भाई कुछ ऐसा प्लान करा है कि हम वहाँ चल के थोड़ा खाने वाने का कुछ सीन बनाने वाले हैं। तो मतलब इंटरेस्टिंग करेंगे आज जो भी करेंगे, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है ना। और बस यार एक मोटो व्लॉग नहीं बना पा रहा, वो उसकी थोड़ा सा दुख है, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी फटाफट से भाई रेडी वेडी हो जाते हैं, वैसे तो मैं तैयार ही हूँ, क्योंकि भाई आज है अपने दादाजी की पुण्यतिथि। तो आज हम सुबह सुबह गए थे वृद्धाश्रम गए थे, उन्हें हमने वो अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराया, और रात में डिनर भी होगा। तो सुबह का मैंने व्लॉग करा नहीं था यार, बस एक क्लिप है तो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई उन्हें खाना वाना खिला के, और उनसे अपन ने भाई आशीर्वाद भी ले लिया। भाई गाइस काफी अच्छे अच्छे अंकल आंटी थे वो। तो गाइस अभी आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे कैसे चल रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत भारी गेहूं का कट्टा उठा रखा है यार नीचे। अभी इसको देने चलते हैं चक्की वाले को, यही गली के बाहर है, फिर निकलेंगे भाई राइड पे। और ये देखो गाड़ी की हालत। तो गाइस अभी जस्ट गेहूं का कट्टा डाल के आया, और भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है बाहर देख रहे हो भाई। और अब जाएंगे ऐसे, ये समझ में नहीं आ रहा कि गीला हूँ या नहीं हूँ, ये कन्फ्यूजन है। बारिश तो खतरनाक आ रही है, सामने तो खुला हुआ है बट उधर से बारिश आ रही है खतरनाक। लो गाइस एक कांड हो गया है, मेरे ओरिजिनल गाड़ी के पेपर भाई देख लो इनका हल क्या हो गया, चीथड़े उड़ गए इनके भाई। ये गाइस जब मंगलवार गए थे ना तब का सीन है, और ये देख लो भाई ओरिजिनल मेरा इंश्योरेंस भी फट चुका है भाई पूरा। आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं क्यों ध्यान रखूं? ये के तू गया, ध्यान में रखूं? अब माँ का काम ही ध्यान रखना है। अच्छा लो जला लो इनको, जला दूंगी। चलो गाइस तो अभी चलते हैं और देखते हैं बाहर का सीन क्या चल रहा है, बारिश तो आ ही रही है बाहर में। तो बॉयज अभी निकल चुके हैं घर से, बारिश रुक चुकी है, हेलमेट पहन लिया है भाई, गोप्रो माउंट इसलिए नहीं है क्योंकि खराब हो रखा है ना माइक, तो इसको कैसे करानी माउंट आउंट को। तो अभी भाई दोनों गाड़ियां धुल चुकी है, पीछे से थोड़ी सीट गंदी हो गई थी, बट कोई ना अभी निकल रहे हैं, कौशल पे अभी चल रहे हैं। तो अभी हम 4 जने हो चुके हैं, और जो प्लान करा है देखते हैं यार, अगर वहाँ पे बारिश वारिश रही तो हो नहीं पाएगा सीन, तो बाकी आगे की बातें करते हैं रास्ते के अंदर। कर रहे हो भाई ये मेरी गली है, ये मेरा घर है उस वाली गली में, और ये मेरे घर की अगली गली है, पानी पूरा ये घर बन रहा है, और देखो उसके लेवल में पानी पानी। अभी गाइस आगे चलता हूँ और वहाँ पे भी दिखाऊंगा पानी बहुत भयंकर, जहाँ पे मैं पहले रहता था। हमने ना 5-6 घर चेंज करें गुलाबबाड़ी के अंदर, अभी दिखाता हूँ कहाँ पर मैं रहता था पहले।
सीन चेक कर रहे हो, ये मेरा एरिया है और भाई इधर बाढ़ के हालात हो रखे हैं भाई साहब। तो ये सीन चेक कर रहे हो भाई, कितना पानी आ गया यार। और इस वाली गली में रहता था भाई इसमें पहले। ओ भाई पानी देख रहे हो कितना भयंकर। अभी हम पहुंच गए कौशल भाई के घर पे और कर दे भाई कर दे। कैसी आवाज है? अल्टीमेट आवाज है ना भाई। भाई साहब अभी जो पानी, पता है पानी का लेवल कितना था भाई? ये वाला इंडिकेटर ना भाई, यहाँ तक ज्यादा तक पानी था भाई, पूरी पानी में चलती थी गाड़ी। नदी में रहते हैं भाई हम, उसमें रहते हैं सागर में, धीरे धीरे गुलाब बड़ी का नाम गुलाब सागर। भाई इसकी भी गाड़ी आ रही है MT-15। तो अब हम निकल चुके हैं पुष्कर के लिए, ये हमारे यहाँ का स्विमिंग पूल। यहाँ मैं फिसल गया। ऐसे भरत भी घूम पाता यार। अभी फिलहाल हमें पुष्कर घाटी के बीच में, और भाई ये नया बन चुका है पूरा, यहाँ पे शॉप वगैरह खुल गई है। ऊपर चलते हैं भाई, बहुत पहले बनाया था यहाँ का व्लॉग, तो अभी इतने दिन तो बंद था बट अब वापस स्टार्ट हो गया, तो अभी चलते हैं और ऊपर से दिखाते हैं आपको यहाँ के पहाड़ों का व्यू। क्योंकि जब मैं बहुत पहले आया था ना तब तो ये बंद रहा था, बट अब बंद बन के रेडी हो चुका है और पहाड़ों के बीच में है भाई हम। गाइस अभी पीछे का व्यू चेक कर रहे हो आप भाई साहब, पूरा हरियाली 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 ये देख रहे हो भाई साहब। अभी ये सब है ना बारिश की वजह से हो चुके हैं, सारे पेड़ पौधे धुल गए तो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। अभी वहाँ पर भी ऊपर भी जाते हैं लोग भाग, तो बट कहाँ ऊपर नहीं, अपन चलेंगे वहाँ पे आगे। तो गाइस अभी हम चलेंगे फाउंटेन पे और बारिश तो आ नहीं रही है। चलो गाइस तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है आगे का, अभी निकलते हैं यार यहाँ से। और काफी सारे जन रुके हुए भाई, देख रहे हो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ पे। और ये रहे दो मित्र, एक मित्र ये रहे और मैं आप सभी का मित्र। तो गाइस यार हम यहाँ पे खा रहे हैं नमकीन, और पता है हमारे साथ में एक और नया फ्रेंड आया है नमकीन खाने के लिए। ये चेक कर रहे हो भाई, कुर्सी पे इतनी बड़ी चिड़िया बैठी है और मस्त नमकीन खा रही है, एक एक वो ले रही है, स्लिप अंदर दे गई। वाह यार। तो गाइस यार अभी हम रुके थे 30 पे और यहाँ पे भाई कौशल भाई की जान पहचान है अच्छी खासी, तो हम घर से क्या है वो बर्तन वर्तन लाना भूल गए थे ना, और मैगी भी लेनी थी, तो अभी यहाँ से बर्तन वर्तन ले लिया, मैगी भी ले ली है और प्लेट प्लेट भी ले लिए। अब बारिश का तो कुछ सीन लग नहीं रहा, बस अभी वहाँ जाके हमको है ना थोड़ी सी सूखा डंडी वंडी मिल जाए, मतलब आग लगाने के लिए, ऐसा कुछ सीन कर रहे हैं। तो अभी इधर से ले रहे हैं भाई सारा सामान वगैरह अपना, जो बर्तन है और बर्तन मैगी। और तो गाइज अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और एक गाड़ी कर दी यहाँ पे पार्क, एक गाड़ी और रखी यहाँ पे पार्क। बाकी फिलहाल काफी सारे जने यहाँ पे भी, क्योंकि गाड़ियाँ तो भाई बहुत सारी खड़ी हुई है, देख रहे हो इतना। और अभी यहाँ पर भी पानी भर रखा है ये देख रहे हो भाई साहब। और अभी आगे चल के दिखाता हूँ, झरना चल रहा है बट कम चल रहा है, और अजमेर में भाई साहब ऐसी भी चीज है पता नहीं था यार भाई साहब। और गाइज ये देखो मैगी खा लो, बर्तन वर्तन सब लिया है हम तो। और वापस से मौसम बन रखा है भाई, वापस काले काले बादल हो चुके हैं भाई, इतनी आवाज कैसे आ रही है अंदर, वैसे हमें घूंजे की आवाज आ रहा हूँ। तो गाइज रास्ता देख रहे हो भाई, कहाँ पहाड़ों में आ गए, इस पहाड़ों में चल रहे हैं भाई पहली बार, और बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे, तो कुछ कुछ फैमिलीज भी आई हुई है और बॉयज ज्यादा है ऑब्वियसली भाई, क्योंकि बॉयज वो होते हैं ना थोड़े एडवेंचरस, इसलिए तो हम भी आ गए इसी चक्कर में। बट बारिश आ गई है भाई वापस, मतलब आई नहीं है, आने वाली है, मौसम हो चुका है बारिश का। और ये देख लो भाई रास्ता कुछ इस टाइप का है। पहले हम ना मैगी बनाने वाले थे बट एक गड़बड़ हो गई है भाई, पानी की बोतल लाना हम भूल गए, तो अभी फिर हम सोच रहे कि जो झरने का पानी है ना वो यूज में ले लेते हैं। तो अभी चल रहे हैं, पहले हम सोच रहे थे कि मैगी पहले बना लेते हैं क्योंकि हवाएं चल रही है और बारिश स्टार्ट ऑलमोस्ट हो ही गई है, हल्की हल्की बूंद बूंद आ रही है भाई। ये किसने सुखा दी भाई पेड़ पे, ये क्या सुखा दी है भाई, अपने चड्डी वड्डी सुखा दी भाई किसी ने अपनी, भाई पानी बिल्कुल क्लियर है। बॉयज ये चेक कर रहे हो भाई, बिल्कुल क्लियर पानी आ रहा भाई पहाड़ों में से, देख रहे हो वहां से आ रहा है भाई पानी, उस साइड से आ रहा है। अब पता नहीं भाई इसके ऊपर क्या सीन है क्या नहीं, बट बाकी सारे जने भाई हमें मस्ती कर रहे हैं और भाई हम यहीं से ले रहे हैं पानी, यहीं से लेते हैं भाई, बहुत फ्रेश पानी आ रहा है बिल्कुल। तो आज नेचुरल पानी से मैगी खाएंगे भाई पहली बार, और शायद दुनिया में किसी ने नहीं खाई होगी इस पानी से मैगी। अरे क्या हो गया लो भाई, अबे जल्दी करते जल्दी जल्दी करते भाई बारिश आ जाएगी। गाइस ये दोनों चढ़ रहे हैं हेलमेट पहन के, और इस पहाड़ के डिजाइन देख रहे हो, और बाकी तुम्हारा भाई तो अभी चढ़ रहा है धीरे धीरे, ये सेफ्टी के लिए लगा के, ठीक है। तो बॉयज फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, ये देख रहे हो भाई ये हो कर रहा है, इधर ये बैठे हैं और ये महबूब भाई फुल, इनके जूतों में पानी भर गया, एक एक किलो पानी भाई, देखो पानी आ रहा भयंकर।
और बिल्कुल फ्रेश पानी है। ये लो सिनेमेटिक लो भाई, देख रहे हो कितने सारे जाने हैं यहाँ पे। तो कई जरा ना अभी पता है हम पानी लेने तो ऊपर आ गए थे, बट अब एक क्वेश्चन और आ गया कि यार पानी ऐसे भर लेंगे तो नीचे लेके चले तो डूब जाएगा, तो अभी वापस जहाँ से नीचे पानी भरा था ना थोड़ा थोड़ा वहीं से भर लेंगे बढ़िया। बाकी यहाँ से अब नीचे चलते हैं यार, क्योंकि बारिश आ सकती है और बारिश के टाइम पे भाई झरनों के आसपास नहीं रहना चाहिए क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है, और यहाँ से फिसले ना तो सीधा वहाँ मिलेंगे नीचे। गाइस पता है चढ़ना इजी होता है बट उतरना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। ये देखो कहाँ बैठ रहा है ले इसको पकड़। हम यहाँ से ले रहे हैं बिल्कुल नेचुरल पानी। क्या हुआ, ऊंडा है क्या बहुत? भाई देखो इसके पैर डूब गए कितने। चलो भाई पानी भर लिया अभी, वैसे भी गाइस बॉयल होगा ना तो बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो जाएगा पानी, तो वैसे साफ ही है पानी। तो गाइस अभी फिलहाल हम आ गए इस वाली लोकेशन पे और भाई वहां पर है झरना। बाकी हम इधर इसलिए आए क्योंकि हम बनाने वाले हैं मैगी, वो भी यहीं पे आग लगा के। हमने पानी तो भर लिया झरने में से और थोड़ी सांस फूल रखी क्योंकि हम वहां से उतरे और चढ़ के आ गए, तो अभी आग वाग लगाएंगे। पहले भाई सबसे बड़ा टास्क ये कि सूखी लकड़ियाँ ढूंढना, वो मिल गई ना भाई काम से हो जाएगा। हो अभी पहले ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे वो ना आए हवा, जिससे हमारा जो चूल्हा होगा वो बुझेगा नहीं। यार अभी दो पत्थर हमने रखे हैं और एक इस पत्थर का सपोर्ट मिल गया, तो कुछ इस टाइप का रहेगा हमारा चूल्हा। अभी थोड़ा सा मैं इसको ना वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा डीप कर रहा हूँ जिससे, बट जिससे क्या है ना थोड़ा वो हो जाए, लकड़ी वकड़ी डालें तो कोई दिक्कत ना हो। बाकी हमारा जो वो है वो इतना है पूरा प्रॉपर यहाँ पे सेट हो जाएगा। यार अभी मैंने उस साइड पूरा प्रॉपर सेट कर दिया है, अभी बारी है लकड़ियाँ ढूंढने की, तो हम यहाँ से ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसी चीज लाओ जाएगी तुल्ली में जल जाए। गाइस यार ना सारी चीजें सेट है, बस एक चीज की दिक्कत हो गई है, साली जो माचिस लेकर आए ना उसमें सिर्फ 5-6 तुल्लियाँ ही है। अब उसमें से भी हमने ना तीन तो बिगाड़ दी, एक दो और एक वो बिगड़ गई। अब बची है लास्ट की दो तुल्ली, अब उसमें पता नहीं भाई मेरे को नहीं लगता कि आग लग पाएगी क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है, सबसे मेन बात तो कागज नहीं लेकर आए हम। अब करना पड़ेगा कुछ तो गाइस यार अभी हमने ये डिसाइड करा है कि अभी हम मैं और साहिल जा रहे हैं, और तो माचिस लेकर आते हैं एक तो नया, और अखबार का रोल लेकर आते हैं जिससे हम ना आसानी से आग जला पाएंगे क्योंकि भाई ये जल नहीं पा रही है क्योंकि यार एक ही पेपर था वो भी जल गया, बट थोड़ी सी आग चाहिए तो उससे मैं सोच रहा हूँ पेपर का पूरा आ जाएगा ना तो उससे जल जाएगी थोड़ी सी आग, और माचिस तो चाहिए ही चाहिए, एक लास्ट दिल्ली थी वो भी उन्होंने फूंक दी, तो अब लेकर आते हैं माचिस बाकी सारी चीज़ें। ओ भाई जाना है वहाँ पे, वो देखो ऑटो वगैरह दिख रहे हैं आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो वहाँ पर उस साइड खड़ी है अपनी गाड़ी, अब वहाँ चल के लेकर। तो गाइस अभी हम कागज भी लिए हैं और लाइटर भी लिया है, अभी बस थोड़ी सी बारिश आ गई थी बट अभी रुक गई है वापस से। तो गाइस जब तक हम आए इन्होंने कहीं और कर लिया चूल्हा वाला सिस्टम, अभी इधर कर लिया है, पहले उधर था, अभी यहाँ पे बारिश से भी बचे रहेंगे और बढ़िया सीन हो जाएगा शानदार। तो गाइस यार हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है भाई, आवाज आ रही होगी आप लोगों को, बट इधर हम भी कर रहे हैं बढ़िया सीन। सक्सेसफुली हमने आग तो लगा ली भाई, अभी फटाफट से भाई लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो अभी लकड़ियां ढूंढ के लेकर आते हैं। अभी लग रही है आग यार, अभी पानी हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है और आग लग रही है शानदार। बाकी अब डाल रहे हैं मैगी, वो चूरा करके डाल, चूरा करके बिल्कुल गाइस यार अलग ही एक्सपीरियंस है यार, ये वाला तो मजा आ रहा है। अगर इस चीज में हम अगर सफल हो गए ना तो भाई एक 24 आवर चैलेंज करेंगे माउंटेन्स पे। क्यों कौशल भैया रेडी हो? चलो गाइस तो करते हैं कुछ ना कुछ सिस्टम बढ़िया, अभी आग जला के रखते हैं हम कंटिन्यू। यार अभी हल्की फुल्की मैगी हो चुकी, मतलब वो उबल गई है और अभी आग भी लग रखी है शानदार, इधर ही हिला रहा है इसको, अभी इसमें मसाले डाला हमने, हिला रहा हूं मैगी को। बाकी अभी दोनों जने भाई लकड़ी वकड़ी ढूंढने के लिए भेजा है भाई, काम कर नहीं रहे हैं वो लोग बैठे काम में। देखो गाइस बारिश आ रही थी, हम पेड़ के लियाओ। चलो तो गाइस अभी मैं बोतल ढूंढ के लाता हूँ, फिर करते हैं इसका आगे का। तो भाई अभी डल रहा है मसाला, पूरी मैगी उबल चुकी है गाइस, और अभी बस 5 मिनट और उसके बाद में फिर खाएंगे मस्त स्वाद ले लेके। डाल दू, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में गाइस, मैगी बिल्कुल प्रॉपर है। ओए अपनी अब कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ मंदी मंदी आज में चलने दो, तो सबको बांट लो 50 रुपए प्लेट। गाइस फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई भाई, बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको जलाने में, बट जब हम जाके वो लाइटर वाइटर लाए ना उससे काम आसान हो गया, तो अभी अगली बार जब भी चलेंगे तो लाइटर लेके हमेशा रखेंगे और करते हैं प्लान 24 आवर्स इन माउंटेन, ऐसा कुछ करते हैं 24 आवर्स एट माउंटेन। पहले आप टेंट ऑर्डर कर लीजिए, टेंट ऑर्डर भैया के पास पड़ा टेंट। यार, जो इसकी स्मेल आ रही है ना भाई, बहुत टेस्टी है। अब इसको खाते हैं और इस व्यू का मजा लेते हैं भाई। हमने बनाई थी मैगी उधर अंदर क्योंकि भाई
बारिश वाली सारी दिनेश जी तो अभी तो अभी चम्मच है ही चम्मच खाते हैं और नहीं तो मेरे बैग का पकल पड़ा उसको बना के खा मजे करते हैं भाई। तो गाइस मैगी वगैरह खा ली है और भाई टेस्टी बनी थी बट थोड़ी ज्यादा बॉइल हो गई वो क्योंकि यार हमने ना कुछ ज्यादा ही उसको तेज आंच के अंदर बना ली बट कोई ना टेस्ट काफी सही था। अभी फिलहाल नीचे चल रहे हैं और जो हमारा बर्तन था उसको साइल धोने गया है आगे तो अभी यहाँ से उतरते हैं। तो अभी भाई साहिल धो रहा है नीचे बर्तन अभी चलते हैं बाइक के पास में और रुकेंगे सीधा थड़ी पे चाय पियेंगे बढ़िया फिर उसके बाद में घर पहुंचेंगे। अभी वाटरफॉल भी देख लिया आज भाई एक सपना था पूरा हुआ ये देखने का बहुत टाइम से था कि यार कहां पर है कहां पर है तो देख ही लिया। और पुष्कर में भाई हमारे अजमेर में ऐसी जगह भाई साहब अनबिलीवेबल। तो अभी चलते हैं बाइक के पास में उठाते हैं वहाँ से बाइक पहुँचते सीधा थड़ी पे और वहीं चल के मिलते हैं आप लोगों से। इस भगोने की हालत आप चेक कर सकते हो काला हो रखा खतरनाक और कुछ कुछ मैगी चिपक भी गई जलने की वजह से। फिलहाल गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूँ सीधा घर पे और फिलहाल गाइज यार अभी टाइम हो रहा है टाइम चेक कराता हूँ गाइज पहले आपको मैं अभी ये देख लो भाई टाइम हो रहा है 2:28 तो 2:30 बज रहे रात के। फिलहाल गाइज अभी मेरा चल रहा है भाई यहाँ पे डिनर क्योंकि अभी मेरे को भूख थी नहीं यार मैगी खा ली थी पेट भर के इतनी सारी उसके बाद में फिर रास्ते से आ रहे थे तो चाय वाय पी ली थी तो अभी कुछ भूख वगैरह थी नहीं ज़्यादा तो अभी तो गाइज अभी मैं कर रहा था व्लॉग एडिट और व्लॉग एडिट हो चुका है ऑलमोस्ट आधा हो चुका है तो मैंने सोचा व्लॉग एंड कर देते हैं। तो फिलहाल ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा यार पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर ऐसे कुछ चैलेंजिंग वाले हमको कुछ करना है हम जैसे प्लान कर रहे 24 आवर्स माउंटेन ऐसा कुछ तो भाई एक बार कमेंट कर देना भाई किसी ने अगर लास्ट तक वीडियो देखी है तो। बाकी फिलहाल गाइस बहुत जल्द मोटो व्लॉग लेकर आएंगे अभी आज है ट्यूसडे और कल है वेडनेसडे तो कल आ जाएगा अपना माइक तो फिर मोटो व्लॉग्स वापस कंटिन्यू हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना जल्दी मिलेंगे एक और नए व्लॉग में जब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।